समस्त देशवासियों को जय श्री राम। आज बड़े हर्ष का विषय है, लाखों सालों से जो भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां तकरीबन 500 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था, आज़ादी के बाद से तो एक बड़ा संघर्ष, और इन 25-30 सालों में जब वह ढांचा गिराया गया करोड़ों राम भक्तों के द्वारा, मन में एक ही भावना और आस्था थी कि भगवान राम टेंट से कब मंदिर में विराजमान होंगे। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन करके कार्य आरंभ किया, और विगत 2-3 वर्षों में हम सभी को एक भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन होगा। बड़ा हर्ष का विषय है, सभी राम भक्त बड़े आनंदित हैं। हम सबों के मन में कहीं ना कहीं जहां भगवान राम विराजमान थे, कुछ समय पश्चात हम भव्य राम लला का वह बड़ा मंदिर का दर्शन करेंगे सरयू के तट पर, एक सुंदर सी नगरी अयोध्या, और अयोध्या में सुंदर सा भगवान राम का यह मंदिर। आप समस्त देशवासी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से एक ही निवेदन है कि आज एक नई दीपावली, एक नया अवसर, जैसे भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे और अयोध्यावासी आनंदित थे, आज संपूर्ण अयोध्या वैसे ही आनंदित है। अयोध्या के साथ संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा, संपूर्ण प्रकृति, वर्षा का सौम्य वातावरण है, सुंदर वातावरण है, प्रकृति आनंदित है, प्रकृति का रोम रोम उत्साहित है। आज साधु संतों में तो अपार श्रद्धा, विश्वास, स्नेह और वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ। आप सभी राम भक्तों से यही निवेदन है कि आज वही दीपावली जब भगवान अयोध्या वापस आए थे, वैसी सुंदर दीपावली हम सब प्रयास करें, कम से कम 5 दीपक तो अपने घर में अवश्य जलाएं, भगवान राम का गुणगान करें, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में सुंदरकांड का पाठ करें, हो सके तो अखंड रामायण का पाठ करें, और भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान श्री राम का यह मंदिर निर्विघ्न, किसी बाधा ना आते हुए यह भव्य मंदिर बने, और हम आप सब जीते जी अपनी आंखों से यह भगवान राम का मंदिर देखें। यह एक इतिहास है जो आज भूमि पूजन हुआ, कार्य आरंभ जो हुआ, यह आज इतिहास है। न जाने कितने लोग इस संघर्ष में बीत गए, पार हो गए, जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान राम के इस भूमि पूजन का आज शुभ मुहूर्त न देख पाया। हम सबों का यह परम सौभाग्य कि हमने भले ही टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, आप सब घर बैठे भगवान राम के भूमि पूजन का है शुभ अवसर देखा। बहुत शीघ्र भगवान राम की कृपा से कोरोना महामारी समाप्त होगी। 2-3 वर्षों में एक लक्ष्य रखा गया है, भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और भव्य उस प्रतिष्ठा में आप समस्त देशवासी उसमें पधारें। लेकिन आज का दिन विशेष है, आज दीपोत्सव मनाएं, आज दीपावली मनाएं, चूँकि हमारे प्रभु श्री राम का आज मंदिर बनने जा रहा है। समस्त देशवासियों को जय जय श्री राम, हर हर।